सीनियर एडवोकेट सूरज उपाध्याय ने बताया कि थाना लसूड़िया पुलिस ने मोहम्मद उस्मानी जो कि ठेकेदार व बिल्डर भी है इसकी शिकायत पर अन्य धारा और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में जीतू सोनी जफर और अन्य लोग आरोपी थे जिसमें जफर की तरफ से एडवोकेट संजय जैन व सूरज उपाध्याय की ओर से जफर की जमानत के लिए धारा 438 CRPC के तहत जमानत का आवेदन लगाया था जिसमें माननीय कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है। जाफर अली का मामला ये है, लसूड़िया पुलिस ने जो है मोहम्मद उस्मानी एक ठेकेदार है और बिल्डर भी है, इसकी रिपोर्ट पर उनके खिलाफ धारा 294, 506, 507, 195 का और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। इस केस में जो है जीतू सोनी, जाफर और अन्य लोग मुलजिम थे। जाफर पर आरोप था कि उन्होंने जो है धोखाधड़ी के केस में गवाही बदलने के लिए उस्मानी को धमकाया। तो जाफर की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय जैन साहब और मैं सूरज उपाध्याय वकील थे, हमने धारा 438 CRPC के तहत उनकी अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। माननीय ADJ स्पेशल कोर्ट CBI उमेश श्रीवास्तव साहब की कोर्ट में ये आवेदन लगा था। हमने कोर्ट को बताया कि जो रिपोर्ट करता है फरियादी उस्मानी ये खुद अपराधी है, इसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज हैं और जिस धोखाधड़ी के केस में ये बता रहा है कि जो है उस केस में गवाही देने के लिए धमकाया कि जो है वो केस पुलिस जांच में ख़त्म कर चुकी, वो मामला जो मेन मामला था धोखाधड़ी का वही मामला झूठा निकला था। इसी ग्राउंड पर जो जफर है उसके खिलाफ आज तक किसी थाने में कोई आवेदन नहीं है, उसको कई इनाम मिल चुके हैं, वो पत्रकार भी है और 10 साल से वकालत भी कर रहा है। तो कोर्ट ने हमारी बातों को मानकर जाफर अली को अग्रिम जमानत दे दी। सूरज उपाध्याय, हाईकोर्ट एडवोकेट।